इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। घर का मंडप हो, श्री मंदिर हो, यहाँ क्या है, अपने निज आश्रम का मंडप है, दिव्य तीर्थ है, क्षेत्र का नाम पंचवटी है, रामकुंड निकट में है, गोदावरी गंगा का पावन तट है, ऋषियों की चार पीढ़ियों की तपस्थली है, श्री महाराज जी की उपस्थिति है, संत भगवंत का सानिध्य है, ऐसी धरा पर भगवान की कथा का गान और श्रवण, हम कितने भाग्यशाली हैं। केवट जी जो होंगे सो होंगे, हो हमको अपना भी तो देखना है। अरे केवट के भाग्य का दर्शन करके देवता कल्प वृक्ष के पुष्प की वृष्टि किए थे। अति आनंद वो मग अनुरागा चरण सरोज पखारन बरस सुमन सुर सकल सिहा पुण्य जो आ गए वो कितने भाग्यशाली। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज श्रद्धाम वृंदावन विराज रहे थे। हम सबका सौभाग्य बढ़ाने के तो श्री महाराज जी पधार गए और 20 को यहां से विदाई लेंगे। हमको तो लगता है कथा को सानिध्य प्रदान करने के लिए श्री महाराज जी पधार गए। अद्भुत मूर्ति है, हो जो जानता है वो जानता है, सबके बस का नहीं है। ये बीतरागी महापुरुष लोग सबके समझ में नहीं आते। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, जितना लोहा लक्कड़ पहने उतने बड़ा महात्मा, कैसा हलचल मची है। जितना बड़ा ताम झाम उतनी बड़ी साधुता, नहीं नहीं, केवट का भाग्य का कितना पुण्यशाली है। ये पुण्य क्या, अरे देव दर्शन, 6 पुण्य आपको सुनाया था, दोबारा स्मरण करता हूं, देवताओं का दर्शन और प्रणाम पुण्य वर्धन का तरीका। पहला, नदी सरोवर ताल तलैया जहां दिव्य क्षेत्र हो, पंचवटी आम जामुन पीपर पाकर और वट, इन पांचों दिव्य वृक्षों का दर्शन करके प्रणाम करना पुण्य वर्धन का। तीसरा, गौ गोष्ठ, गौशाला, गौ माताएं, तुलसी बिरवा, संत भगवान का दर्शन और वंदन, वंदन माने प्रणाम, ये पुण्य बढ़ाने का चौथा ढंग। संत निवास, सदग्रंथ और जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उनका दर्शन और प्रणाम, ये पुण्य बढ़ाने का पांचवा ढंग है। इतने तो उपाय, कुछ नहीं करना, खर्चा नहीं हो प्रणाम करना। बाबा वाल्मीकि जी ने जो सूत्र दिए, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा सादर जासो लहिनितना तुम्हें निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पद भूषण कर सही सही करी में
जिनके चरण राम तीरथ चल जाही। राम तीन के मन प्रभु प्रसाद पाए, भोजन सरकार को भोग लगाए पाए, शीश नवाए सुर गुर श्रेष्ठ, प्रेम पूर्वक खाद सेवा करे, चरण भगवत तीर्थ की यात्रा करे, राम जी बसिए, कहाँ ढूंढना है। यही तो व्यवहार भक्त का, सहज भक्त, सहज हो, कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, सहज अवस्था। क्या ये पंक्तियां अमृतमय। भक्त ने भगवान से कहा, कुछ नहीं आपके अनुग्रह से मुझे कुछ नहीं, अब कछु नाथन चाहिए। भगवान मान नहीं रहे। तब भगत जी ने क्या कहा, प्रभु अभी तो आप जा रहे हैं, जब लौट के आएंगे जो देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। फिरती बार मोह जो देबा, जो देबा हम ले लौट के। प्रभु ने कहा नहीं स्वीकार किए, लक्ष्मण भैया ने कहा नहीं स्वीकार किए, माँ ने कहा जब नहीं स्वीकार किए तो ठाकुर ने विदा के इन करुणा भगति विमल। तब भगवान ने विमल भक्ति भेज दिया। जगत का सामान बढ़ना ये भक्ति नहीं है, भगवान में प्रेम बढ़ना भक्ति है। प्रभु में हमारा मन रमे। सोचिएगा कभी इस मन को कभी सहज भगवान का स्मरण आता है। बैठे हैं कभी सुबह शाम कभी स्मरण करता है क्या? सहज अवस्था में जगत में तो रहता है। कई लोग कहते हैं महाराज पूजा में बैठ तो मन भटकता है। मन भटकता नहीं, मन का तो स्वभाव ही है। मन को खींचिए मत, खींचिएगा क्या? मन का पते नहीं कहाँ रहता है वो? अरे खींचा खाची इस तन का करिए, तन को वहां वहां रमाइए, ले जाइए जहां आप मन को लगाना चाहते हैं, क्योंकि मन वहीं रमता है जहां ये तन रमता है। व्यवहार से मन का लेना देना नहीं भैया, वसन से भी लेना देना नहीं। मन इंद्रिय नहीं, विशेष इंद्रिय है, अपनी गति में रहता है, डोलता है। लेकिन निश्चित मानिए जहां जहां तन जाता है वहीं वहीं मन जाता है। सपने भी तन जहां रमता वहीं से आते हैं। साधक हैं हम, हमको देखना है हमारा मन कभी कथा सुनकर कथा प्रसंगों में रमता है क्या। इसी तरह सुनते रहिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।